और क्या होगा, साधारण धर्म होगा। यानी उपमा के ये जब चारों अंग जिस भी काव्य पंक्ति में है वहां पर हम बात करते हैं कि वहां पर क्या है, पूर्णोपमा है। मुख कमल जैसा है, मैंने लिखा मुख कमल जैसा है, तो मुख की बात की जा रही है, उपमेय किस से उपमान, कमल जैसा क्या है, जैसा है वाचक शब्द आया, किंतु सुंदर शब्द यहां पर नहीं आया। यानी कि इसमें उपमा के जो चार अंग है, उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म, उन चारों में से एक यहां पर नहीं आया। इसका मतलब यहां पर लुप्त है, कुछ न कुछ गायब है। लुप्त क्या है, उपमा का एक अंग। इसलिए इस वाक्य को क्या कहेंगे हम, इस उदाहरण को लुप्तोपमा कहेंगे। यहां लुप्त उपमा है, यहां एक जो भाग है इसका वो है नहीं। पूर्ण उपमा, पूर्णोपमा में चारों अंग होंगे तो पूर्णोपमा, एक भी अंग गायब है तो लुप्तोपमा। उदाहरण लिख लीजिए आप, ये उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, मिटा दूं। अब हम अगले इसी के भेद की बात करते हैं और मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान, किसका उदाहरण है ये। अब ये तीसरा भेद है मालोपमा, मालोपमा उपमेय एक, किसकी बात की जा रही है, मुख की, ये उपमेय हुआ। सुंदर है किसके जैसा, चंद्रमा के समान। कोमल है, कोमल भी है किसके समान, कमल के समान। तो उपमेय तो एक और उसके उपमान बहुत सारे हो, तो उसे हम उपमा अलंकार का कौन सा भेद कहेंगे, मालोपमा, जिसमें उपमेय एक हो और उपमान एक से अनेक हो, एक से अधिक हो, अनेक हो, तो वहां हम बात करेंगे मालोपमा की। उदाहरण लिख लीजिए, फिर हम अंतिम उदाहरण की बात करते हैं। देखिए अगला, ये था आपके मालोपमा, अब है उपमेय उपमा। उपमेय और उपमान, इसमें उपमेय कोई उपमान और उपमान कोई उपमेय जो है बता रहे हैं। उपमेय को उपमान बताएंगे और वापस उपमान को ही उपमान को उपमेय बता देंगे। कैसे, उदाहरण देखिए, कमल से नैन, कमल
से नैन अरु, नैन से कमल है। तो यहां हमने कमल जैसे क्या है, नैन, कमल से नैन अरु, नैन से कमल है। हमने यहां पर उपमान को, उपमेय को उपमान बताया और फिर वापस उपमान को उपमेय बता दिया। इस प्रकार से जब परिस्थिति होती है तब उपमेय या उपमा, उपमेयोपमा जो है उपमेय अलंकार का ये जो भाग है इसकी हम चर्चा करते हैं। तो उपमा अलंकार क्या होगा, रूप रंग गुण काहू को काहू के अनुसार यहां एक वस्तु की, एक व्यक्ति की दूसरे से तुलना की जाएगी, तुलना की जाएगी और उसमें क्या होगा, उसमें आपके ये होगा कि साहब उसको जो है उपमा कहते हैं, जैसे सुबुद्धि आगार, एक जैसे एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाएगी। उपमा अलंकार के भाग कितने, उपमेय चार अंग है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, वाचक शब्द और समान धर्म, और समान धर्म नंबर एक, दो, तीन और चार। जब ये चारों सम्मिलित रहेंगे, जब ये चारों सम्मिलित रहेंगे तो हम इसको कहेंगे पूर्णोपमा। एक एक भाग जब लुप्त रहेगा तो लुप्तोपमा। बहुत सारे उपमेय हो जाएंगे, उपमान अगर एक से अधिक है तो मालोपमा, और उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताएंगे तो उपमेयोपमा। ये इसके चारों भाग है। तो अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा अलंकार, इन चारों को आप वापस इन उदाहरणों को देखिएगा और जो भी आपको समस्या आए उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। बाकी हम अगली कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।